unites.com redefining Bollywood. दोस्तों की कहानी है, कानपुर के पास एक गांव है मुंगेरा गांव, वहां से शुरू होती है कहानी। और 13 साल के बच्चे हैं जो बड़े होकर कट्टा बनाते बनाते वो शार्प शूटर्स बन जाते हैं, एक्चुअली कट्टा टेस्ट करते करते। और ये टैलेंट जब आ जाता है इनमें, तो इनको खुद को रियलाइजेशन नहीं होती कि ये ऐसा भी कुछ, मतलब शूटिंग भी ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा कट्टा बनाना है और इनकी ज़िंदगी जीना है, ये इनका मेन मकसद है। और ऐसे में जाना इनको, रूट इनका था अंडरवर्ल्ड जाने का, तो बीच में इंडिया के जो शूटिंग कोच हैं, मेजर रहे हैं, जो सुनील सर प्ले कर रहे हैं, वो इनको एक एक्शन सीक्वेंस में देख लेते हैं कि यार ये कितने बड़े बढ़िया निशंची हैं। और वहाँ से इनकी कहानी एक टर्न लेती है। तो एक शूटिंग कोच के साथ जुड़ जाता है और एक अंडरवर्ल्ड की तरफ चलता है, और बाकी कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म है देसी कट्टे की, बेसिक वन लाइन ये। गाने का बहुत स्कोप है, बहुत बढ़िया देसी गाने का। बेसिकली वो फ्लेवर जो था वो मेरे को था कि भाई वो यूपी के गाने चाहिए, उस तरीके का उधर का फील चाहिए। तो इसमें पुराना, मतलब हम लोग बहुत पहले से एसोसिएट हैं। हम इसका जवाब देना चाहते हैं, दुनिया में संगीत एक ऐसी चीज़ है, जब से आप जन्म लेते हैं और जब तक आप लुढ़कते हैं यानी निकलते हैं, संगीत की निकलने के बाद भी संगीत पीछा नहीं छोड़ता। संगीत, म्यूजिक इज वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडिविजुअलिटी एक्चुअली, मतलब पैदा होने पे खुशियों के लिए और मरणोपरांत प्रेयर्स के लिए। अनूप जलोटा जी बैठे हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको, जो अफोर्ड कर सकता उनको, वरना फिर अपने अपने साइज का गायक जरूर आके लागिरे 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 वो वाला। तो बाबा ने ऐसी कृपा की है कि म्यूजिक जो है वो नेचर का इतना बारीक हिस्सा है कि जब ये जो साइकोलॉजी है किसी फिल्म में, जो दो दोस्त हैं जिनको अपने हुनर का पता ही नहीं जिंदगी में, तो उनकी जिंदगी किस किस दौराहे से गुजरेगी, क्या क्या बातें बनेंगी, क्या क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या क्या मस्तियाँ होंगी। सिंपल जिंदगी दो लड़कों की होते होते कितनी इंटरेस्टिंग बन सकती है कि पूरा संसार एकदम हिल जाएगा। एक बनेगा नेशनल चैंपियन और एक बनेगा नेशनल अपने, हाँ, अपने अच्छे वाले काम का नेशनल डॉन या जो भी। तो ये बड़ी अच्छी वाली स्टोरी में म्यूजिक का इतना बड़ा स्कोप दिखा। शुरू में मैं भी ऐसे बावला हो गया था जैसे आप शुरू में हुए हैं, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही यूनिक बात है ऐसा होना, ये क्योंकि हर स्क्रिप्ट, हर फिल्म अपने आप में बहुत एक्साइटमेंट और उत्तेजना लेके आती है, लेकिन इसका जो म्यूजिक होगा वो आपको अच्छा लगेगा और इसमें एक झटका लगेगा आपको कि कैलाश खेर ने ऐसा म्यूजिक बना दिया। ये भी एक ऐसा, हम एक ऐसा गाना बना रहे हैं जिसको हम अंग्रेजी सभ्यता में आइटम सॉन्ग बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।